आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरीवन इन दिस क्वेश्चन इफ अ कर्व फॉलो द डिफरेंशियल इक्वेशन dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू रेस टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू रेस टू द पावर एक्स अपॉन टू रेस टू द पावर वाई एंड द कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो का वन देन द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू टू इज तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक डिफरेंस कौन डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू रेस्ट टू दावर एक्स प्लस टू रेस्ट टू दावर एक्स अपॉन टू रेस्ट टू दावर वाई ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अब देखो यहाँ पे क्या है

तो क्या हो जाएगा इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड तो देखो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस साइड का इंटीग्रेशन तो हमारा इजीली हो जाएगा बट इस साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए हम सबस्ट मेथड यूज करते हैं एक काम करते हैं टू रेस्ट पावर वाई माइनस वन को अगर हम टी ले, ले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या होगा टू रेस्ट पर डिफरेंशन क्या होता है हम क्या ले सकते हैं डी टी अपॉन एल एन टू ओके तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या हो जाएगी इसको हम लिख सकते हैं इसको चेंज करेंगे तो टू रेस्ट दर वाई इंटू डी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी टी अपॉन एल एन टू और मल्टीप्लाई बाई टू रेस्ट कराएट कराएगा क्योंकि अंदर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टीवल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू रेस्ट दिन तो देखो अब यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी ये तो वन अपॉन एल एन टू तो है ही यहाँ पे अब इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी डी का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा दैट इज एल एन टी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल्स टू अब टू रेस्ट टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ये होगा टू रेस्ट टू द पावर एक्स अपॉन एल एन टू ओके ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू द पावर एक्स डी होता है ए रेस्ट टू द पावर एक्स अपॉन एल एन ओके और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट क्या आएगा सी तो अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमें गिवन है कि जो कर्व है वो पास कर रहा है एट पॉइंट जीरो कमा वन तो कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो कमा वन उससे पहले हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो टी हमने ले, ले लेट क्या रहा था टू रिस्ट टू पावर वाई माइनस वन तो ये हो जाएगा वन अपॉन एल एन टू इन टू टू द पावर वाई माइनस वन इज टू द पावर एक्स अपॉन एल एन टू ओके okay, तो देखो यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हमने सी एसम करा है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है इसको मैं सी अपॉन एल एन टू लिख सकता हूँ क्यों क्योंकि आप ये तो वैल्यू क्या होगी ये कॉन्सटेंट ही रहेगी अब कॉन्स्टेंट में यहाँ वेरिएबल क्या है सी तो इस कॉन्सटेंट को मैंने सी अप सी अपॉन एल एन टू भी लिख सकते हैं तो यहाँ भी सी अपॉन एल एन टू आ जाएगा क्योंकि ओवरऑल भी क्या रहेगा ये कॉन्सटेंट ही रहेगा तो अब बोथ साइड एल एन टू से एल एन टू क्या हो जाएगा कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी दैट इज़ एल एन टू रेस्ट दावर वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू टू रेस्ट द्लस सी अब पॉइंट जो है जीरो से पास हो रहा है तो यहाँ पे जीरो काम वन वैल्यू रख देते हैं, x की value 0 हैं और वाई की वैल्यू वन तो यह पावर वाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम वन माइनस वन इसवल्स टू क्या हो जाएगा टू रेस्ट टू दावर एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमें जीरो प्लस सी तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू हो जाएगी दैट इज एल एन टू रेस्ट दर वन तो क्या होगी वैल्यू टू ही रहेगी और टू

दैट इज एल एन टी एल एन टी मतलब क्या है टू रेस्टर एक्स टू रेस्ट पावर एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या आई थी हमारी सी की वैल्यू आ रही है माइनस वन ओके और यहाँ पे एल एन टू हमने डिवाइड कर दिया है तो इसलिए एल एन टू इक्वेशन में नहीं आएगा अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई की एट एक्स इक्वल्स टू टू तो देखो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा एल एन टू रेस्ट टू वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू अब एक्स के लिए क्या पुट करनी है हमें एक्स के लिए टू पुट करनी है तो ये हो जाएगा टू और यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस वन टू रेस्ट पावर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर फोर माइनस वन वाली कितनी हो जाएगी थ्री तो थ्री इज इक्वल्स टू एल एन टू रेस्ट टू वाई माइनस वन अब ये एलन जो है इधर जाएगा तो वैल्यू एक्सपोनेंशियल में हो जाएगी तो ये टू रेस्ट पार वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू ई रेस्ट थ्री अभी माइनस की वैल्यू उस साइड जाएगी तो प्लस में हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी